अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एथर और आज की जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो लबर्ड्स के हवाले से है, लबर्ड्स की फार्मिंग के हवाले से। मैं आज एक दोस्त के फार्म पे आया हूँ जिनका नाम यार मोहम्मद है। ये इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास माशाल्लाह से 600 प्लस लबर्ड्स पेयर हैं, सिंगल केज में हैं। बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सेटअप है इनका माशाल्लाह से। मेरे फार्म के जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी माल हैं मेरे, सब इनके फार्म का ही है। सारा जितने भी आइटम्स हैं, बजरी लबर्ड्स फिशर इनके फार्म के नहीं है, बकाया लबर्ड्स में है, बजरी में है। इन्हीं के फार्म का सारा मेरे पास माल सेटअप लगा हुआ है और बहुत पुराना इनका सेटअप है, बहुत प्रॉपर वे का इनका सेटअप है। जितना मेरा इतना साफ नहीं है जितना इनका, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं ये। ये सिर्फ यही काम करते हैं, मैं थोड़ा ऑफिस वगैरह दूसरे काम देखने होते हैं तो सफाई का थोड़ा सा मेरे पास इश्यू होता है। इनके पास माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप है। 600 से ज़्यादा इनके पास पेयर हैं, सिंगल केज में हैं लबर्ड्स। एक गली इनकी ये है, एक गली इसके बराबर में यहाँ से आप जाएंगे रास्ता, उसका बिल्कुल ही अलग केज बनाया हुआ है, वो जगह बिल्कुल अलग है, ये जगह बिल्कुल अलग है। तो बहुत माशाल्लाह से इनका वसी सेटअप है। तो मैं आपको कोशिश होगी कि मैं सब तो कभी भी कवर नहीं कर सकता, काफ़ी देर हो जाएगी, जितना पॉसिबल होगा मैं उसको कवर करूँगा। आप ये देख रहे होंगे यहाँ से लेके वो कोने तक है, उसके बाद एक गली बराबर में है और एक गली इस तरफ है। एक मैं सेंटर वाली गली में खड़ा हूँ, एक राइट हैंड पे है और एक लेफ्ट हैंड पे आपको नज़र आ रहा होगा, उस तरफ भी एक गली है, वो भी काफ़ी बड़ी, उसमें भी क्वांटिटी में है और एक इस तरफ है। अच्छा, ये जो गली है, एक इसके बराबर वाली जो गली है उसमें थोड़ा मज़ीद सेटअप है, थोड़ी मज़ीद जगह है, वो और बड़ी गली है इनसे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं ये लबर्ड्स के हवाले से, बहुत प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास भी बॉक्स नहीं है, कुलियाँ हैं, मेरे पास भी सारी कुलियाँ ही लगी हुई हैं, जिस तरह के इनका आइटम्स हैं इसी तरह से मैंने ही सारा सेटअप किया हुआ है। बॉक्स इन मैंने साइड पे लगाए हुए, इन्होंने फ्रंट पे लगाए हुए। तो मैं दिखाने का मकसद आपकी उनको अपडेट दिखाऊंगा। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं, इनका सेटअप बहुत बड़ा है तो इनको टाइम नहीं मिलता सनलाइट के अंदर, ये बिल्कुल भी फारिग नहीं होते। सनलाइट से मुराद दिन के टाइम में ये जो हैं सिर्फ बर्ड्स को टाइम दे पाते हैं। अभी मेरे साथ ये वीडियो नहीं बना सकते, वीडियो बनाने में आधा से ज़्यादा घंटा लग जाता है, एक घंटा लग जाता है कभी कभार, तो ये टाइम नहीं दे सकते। तो मैं खुद इनके सेटअप, अच्छा एक चीज़ जैसे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं फार्मर पे जो हैं, फार्म के दोस्त किसी को नहीं बुलाते, मैं भी अपने फार्म पे नहीं बुलाता, मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो इनका दोस्त बहुत पुराना हूँ। तो इनके फार्म पे जो है मैं स्पेशली मैं आ जाता हूँ, इनका एक दोस्त है, दोस्त से मुराद जो इनके पास काम करता है वो आता है और ये खुद आते हैं, उनके दो भाई हैं वो आते हैं, क्योंकि सेटअप बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों का ज़रूरत पड़ती है इस वजह से। और बाहर का सिर्फ एक मैं बंदा हूँ जो मैं आता हूँ, मैं अपने कपड़े चेंज करके आया हूँ और जब मैं घर जाऊँगा तो अपने कपड़े चेंज करूँगा और चेंज करने के बाद जो है मैं अपने फार्म में जाऊँगा। ठीक है, ये सारी इत्यादियाँ होती हैं फार्मिंग के हवाले से। मैं वो चप्पल भी पहन के नहीं आया है जो मैं अपने चप्पल फार्म में पहन के जाता हूँ। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उसको चेंज करना पड़ता है, तो आपकी फार्मिंग हवाले से बहुत बेहतर होती है। इनका माशाल्लाह से बहुत बड़ा, मेरे से बहुत ज़्यादा वसी इनका सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत पुराना सेटअप है सेटअप इनका। तो इनके पास जितने भी लबर्ड्स निकलते हैं अक्सर मैं इनसे ले जाता हूँ लबर्ड्स के, और लोडिनो इनके पास अच्छी क्वांटिटी में लोडिनो है, पाइट लबर्ड्स पाइट इनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। तो स्टार्ट करते हैं इनका, देखते हैं रिजल्ट। परमिशन मेरी परमिशन है, परमिशन में इनसे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह लबर्ड्स की सारी आपको दिखा सकता हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से करूँ ये समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, चलें इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी सी सेटअप थोड़ा सा चेंज है, मेरे से अलग है। इसके अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, इधर देखते हैं क्या है। ओके, कुछ पेयर इन्होंने जो है वो खाली किए हैं, आई थिंक ये कुछ वजह होगी, कुछ रीज़न होगा, उसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर वाले पेयर खाली किए हैं। बहुत अच्छी रिजल्ट आता है। अच्छा, इनके मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि इनके पहले डाइट से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। डाइट से, ये डाइट किस तरह की देते हैं, सेम जिस तरह से मेरा प्रोसेस है सेम वही प्रोसेस इनका है। इनके केज का साइज़ है, इन्होंने केज का कुछ पेयर के केज का साइज़ जो है मैं आपको दोस्तों को ऐसे दिखाऊँ, असल में पीछे रोशनी पड़ रही है तो फोकस नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं आपको वर्टिकल थोड़ा सा जो है वो कैमरा अड़ा कर दूँ। मेरे पास जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फुट की है, इनके पास 2.5 फुट के हैं, सारे केज नहीं, कुछ केजेस की इनके पास 2.5 फुट की है और कुछ केज की जो है वो 2 फुट की, इसके सामने फ्रंट जो है 2 फुट है, डीप जो है वो 12 इंची है और हाइट जो है वो 15 इंची है। हाइट और डीप जो है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ विड्थ जो है वो 2.5 फुट है, मेरी जो है वो 2 फुट की हाइट है। ये बात क्लियर है। ये भुट्टा रोज़ डालते हैं, ये सॉफ्ट फूड रोज़ डालते हैं, सॉफ्ट फूड में चने 4-5 चीज़ें इसमें जो मैंने आपको बताई थी, चना है, मूंग की दाल है, गंदम है,
रेड जो होते हैं वो दालें जितनी मैंने आपको बताई थी वो सारी दालें हैं इसके अंदर। असल में दूसरे बर्ड्स को एक देखा था वो थोड़ा सा इश्यू कर रहा था, और जितनी भी सारी दालें हैं जो मैं आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको सपोर्ट के बना दें वो दालें। लूसन बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल होते हैं, लूसन डेली नहीं डालते ये फार्मर्स, डेली बेस पर लूसन डालते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे ग्रीन लीव जो है वो आ गए हैं नीचे, उस तरह वाले केज में आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर हैं। सुबह के टाइम पे लूसन डालते हैं 11 बजे के टाइम पे, भुट्टा आप देख रहे हैं किस तरह से डालते हैं, ये भुट्टा डेली बेस पे डालते हैं। अच्छा आप भुट्टा उनको डेली बेस पे डाल सकते हैं जो डेली बच्चे जिनके पास बच्चे निकले हों, जिनके पास बच्चे ना निकले हों इशू नहीं है, आप उसमें भुट्टा ना डालें मसला नहीं होता, लेकिन जिसके पास बच्चे निकले हुए हों आप उसमें, आपको ज़रूरी है कि आप जो है भुट्टा उसमें लाजमी डालें। इन्होंने सेटअप कुछ बढ़ाना है, ये थोड़ा सा जो है वो रिंग नेक की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा जो है वो अपना मूव कर रहे हैं। मैंने भी इनसे मशवरा किया था, मेरा भी जो है वो थोड़ा सा इरादा चेंज हुआ है थोड़ा बड़ा सेटअप करने का इंशाल्लाह फ्यूचर में। कुछ और मज़ीद काम है जैसे कि ये पेयर हैं, इन्होंने अच्छा अभी इन्होंने मुझे बताया कि मैंने सारे पेयर्स की जो है वो बच्चे क्लच निकाल के सेल आउट कर दिया है। अब जो है वो थोड़े पेयर होंगे जो आप दोस्तों को मैं दिखा सकूँगा, सब खाली हैं। इन्होंने भिजाया है कल ही आई थिंक, एक कराए मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, कुछ टाइमिंग इनका इशू हो रहा था, कुछ मेरा इशू हो रहा था, तो इस वजह से जो है मैं नहीं आ पा रहा था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये नया पेयर हैं। ओके तीन बच्चे इससे निकाले में लवर्स के हैं, ये काफ़ी सारे होंगे मैं अगर कुछ इन्होंने निकाल दिए होंगे। ये लोडिनो का एक बच्चा बाहर आया हुआ है। अच्छा इनके पास भी एवरेज माशाल्लाह से अच्छी आ रही है, चार की एवरेज आ रही है लबर्ड्स की, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है इनका भी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको काफ़ी अच्छा, ये जो सब चारी चीज़ें होती हैं ये इनकी राइडिंग है, इनसे पता करेंगे क्या किया हुआ है। मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, मेरे पास जो है वो डायरी में सब चीज़ें सेव होती हैं, मैं ऑन द स्पॉट इसलिए नहीं रखता कि वो कभी पानी का मसला हो जाता है, कभी गंदी हो जाती चीज़ें, तो मैं इस वजह से जो है वो अपने पास नहीं रखता, लेकिन मेरा सारा जो है वो डायरी में चल रहा होता है और बॉक्स नंबर के हिसाब से चल रहा होता है। मुझे पता होता है कौन सा बॉक्स नंबर क्या है, कौन सा पेयर क्या ब्रीडिंग कर रहा है, कौन ख़राब कर रहा है और कौन ख़राब नहीं कर रहा। इस पेयर का देखते हैं क्या रिजल्ट है। ओके इसके भी बच्चे हैं, ठीक है ये भी वाइट है, लोडिनो का लगाया हुआ इन्होंने इसके साथ। अच्छा ये क्रॉस म्यूटेशन बहुत करते हैं इसके ऊपर, ये बहुत खेलते हैं मतलब मल्टीपल पेयर के जो है कलरिंग के ऊपर जो है खेलते हैं, ये ज़्यादा काम करते हैं। ये इसके बच्चे हैं, ठीक है चार बच्चे हैं आप देख रहे होंगे, ब्लू हैं लवर्स में हैं ये आई थिंक इन्होंने बैलेंसिंग करी हुई है ये, क्योंकि ये कलर इसके नहीं है, कलर चेंज है ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। हो भी सकता है कि ये स्प्लिट हो, ब्लू के बच्चे हों तो इस वजह से ये निकाल लें। ये आप देखें माशाल्लाह से चार बच्चे आए हुए, चार बच्चे हैं और चारों एक्टिव हेल्दी और एवरेज माशाल्लाह से चार की है, अच्छी है। अच्छा ये लबर्ड्स के अंदर बैलेंसिंग की जो है वो चार बच्चे रखते हैं, चार से ज़्यादा नहीं रखते लबर्ड्स के अंदर, मैं भी चार बच्चे से ज़्यादा नहीं रखता, कोशिश मेरी भी यही होती है कि चार बच्चे से ज़्यादा ना रखूँ। ओके यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे चार बच्चे हैं, चार बच्चों की एवरेज होती है। ये अभी मौजूद हैं फार्म के अंदर, पानी चेंज कर रहे हैं आई थिंक, ये पानी चेंज कर रहे हैं या दाना डाल रहे हैं, पानी इन्होंने सुबह में चेंज किया होगा, दाना डाल रहे होंगे। तो तकरीबन अगर मैं सबको आपको दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, मैं थोड़ा थोड़ा सा उससे आपको दिखा देता हूँ, इस गली जितनी कोशिश करता हूँ मैं दिखा देता हूँ कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्स है। ये देखें इसमें भी चार बच्चे हैं, इसका पेयर ये रहा। अच्छा ये बैलेंसिंग है, मादी दोबारा ब्रीड पे है, अंडों पे है, आप पानी देख रहे हैं विटामिन्स। अच्छा विटामिन्स के ऊपर मैं आखिर में आता हूँ, विटामिन्स कौन से डाल रहे हैं इसका भी पता करता हूँ, तरीक़ेकार मैं आपको बता चुका हूँ 10 दफ़ा अपने फार्म का भी, इनके फार्म का भी। अच्छा इनके फार्म पे जो चीज़ इनके फार्म पे आपको मिलेगी सेम वही मेरे फार्म पे भी आपको, वही सारा प्रोसेस वही मेरे फार्म का भी है। ज़बरदस्त चार अंडे, दो तीन बच्चे हैं और एक अंडा अभी है मौजूद है, और ये पेयर अच्छा पेयर है, काफ़ी सारे इन्होंने। ओके ये मादी अभी फर्स्ट टाइम नहीं आई थिंक इसने बच्चे अभी दोबारा अंडे दे दिए, इसमें मुझे भी नज़र नहीं आ रहा क्या है, बच्चे निकले में बच्चे बड़े हो गए, बच्चे के दो बच्चे बाहर आ गए। उसके बाद इस तरफ चलते हैं, ये पेयर खूबसूरत पेयर है, अच्छा पेयर है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर है तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं अगर सबको क्लियर करना चाहूँ, सबको आपको दिखाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है, शाम हो जाएगी और दो घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, तो जितना पॉसिबल हो रहा है मैं उसको आपको दोस्तों को दिखा रहा हूँ।
अक्सरियत ये कि इन्होंने नया प्लेयर डाला है, आई थिंक ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा, फेस से पता चल जाता है ये फर्स्ट ब्रीड करेगा, नया प्लेयर है इस सीजन का होगा। ये लोडिनो के जो हैं वो चार बच्चे आए हुए हैं, आई थिंक ये चारों बच्चे हैं, मादी ने दोबारा अंडे दे दिए होंगे, ठीक है, बच्चे भी बड़े हो गए, इन्होंने निकाले भी नहीं है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है। मादी अंडों पे बैठी है, ये बच्चों पे छोड़ें इसको डिस्टर्ब नहीं करते। उसके बाद ओके ये आई थिंक ये पट्ठा है, ये देखते हैं क्या है इस प्लेयर का क्या सीन है। ओके मादी ने अंडे दिए हैं, पांच अंडे दिए हैं, दो बच्चे इसके निकल गए, अब बकाया भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे। ये होता है रिजल्ट फार्मिंग का जो आप दोस्तों के सामने है। मैं नीचे वाले जोड़े को डिस्टर्ब, ये इसने भी चार अंडे दिए हैं। अच्छा नेस्टिंग इनकी अलग है मेरे से, नेस्टिंग मैं अलग तरीके से करता हूँ, ये भी इसी तरह से करते हैं, इस दफ़ा इन्होंने कुछ चेंज किया है, पता करेंगे क्या चेंजिंग क्यों करी है, वजह क्या है। मेरे पास वो नेस्टिंग ठीक चल रही है तो मैं उसी को चलाऊँगा, मैं चेंजिंग नहीं करूँगा, जिन दोस्तों के पास जो ठीक चल रही है वो चलेगी, मेरे पास अभी नेक्स्ट ईयर देखेंगे कुछ चेंजिंग। मादी ने पाँच अंडे दिए हैं, आप देख रहे हैं एवरेज माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, एवरेज आउट क्लास है। ओके यहाँ पर बच्चे निकले हैं, जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे बच्चे माशाल्लाह से अच्छा प्लेयर है, इन्होंने बैलेंसिंग करी हुई है। अच्छा सिर्फ अंडों की बैलेंसिंग, एग्स की बैलेंसिंग, सिर्फ बच्चों की बैलेंसिंग नहीं करते, एग की भी बैलेंसिंग की जाती है। ओके यहाँ पर भी एक प्लेयर है, इसका भी देख लेते हैं हम क्या चल रहा है। इस प्लेयर ने भी अंडे दिए हुए, लोडिनो का प्लेयर है और इसकी एवरेज पाँच अंडे, बहुत आउट क्लास रिजल्ट है। पाँच अंडे देना एक अच्छा साइन होता है बच्चों की एवरेज के लिए हवाले से, और अच्छा इनके पास जो है वो अगर पांच अंडे दे रही है तो माशाल्लाह से सारे जो हैं वो अंडे फर्टाइल होंगे। ओके एक बच्चा निकला है और चार अंडे हैं, ठीक है ठीक है, अभी एक ही बच्चा निकला है और चार अंडे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है इनके पास माशाल्लाह से, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, बहुत अच्छा रिजल्ट है लव बर्ड्स का, मेरे से ज़्यादा इनका अच्छा रिजल्ट आया है लव बर्ड्स के हवाले से। बकाया इस तरफ अगर मैं आया हूँ, दोबारा मैं इस तरफ आ गया हूँ, गलती से इधर ही आ गया हूँ मैं, इनका लोडिनो का यहाँ पर रिजल्ट है, कुछ देखते हैं लोडिनो का क्या चल रहा है। और अच्छा काम चल रहा है इनका, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अगर अच्छा लोडिनो भी इनके मेरे पास जो है, लोडिनो भी इनके पास के हैं, लबर्ड्स भी इनके इन्हीं के आगे, ये एक पट्ठे निकले में, चारों पट्ठे निकले में, एक इन्होंने बैलेंस किया होगा लबर्ड्स का पट्ठा जो है इनको, बल्कि ये लोडिनो के चारों पट्ठे इन्होंने बैलेंस किए हैं, ये जो है हाँ इन्होंने ये लबर्ड्स का पट्ठा जो है वो बैलेंस किया होगा, क्योंकि लबर्ड्स की जो है वो मादा बड़ी लग रही है, नर बड़ा होगा। बकाया पट्ठे थोड़ा ऊपर की तरफ मैं नहीं जा रहा, अब चलते हैं हम लोग सेकंड गली में, कोशिश करूँगा, मैंने इस गली को भी पूरा कवर नहीं किया है और थोड़ा सा ही कवर किया है, बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सका, क्योंकि अगर मैं सबको कवर करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये मादी बजरी होगी, ओके ये जावा गेंडे हैं, जावा भी इनके पास है, जावा की आप दोस्तों को पता होगा क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एक्स की। ओके जो हैं बाहर उनको सब छेड़ते हैं, जो अंदर हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते। ओके एक ही बच्चा है जावा का, इन्होंने नज़र नहीं पड़ी होगी इनकी, ये जावा के बच्चे बाहर आए हुए हैं कुछ, ये नेस्टिंग फुल नेस्टिंग करी हुई है जावा पे भी। तो अब चलते हैं हम दूसरी गली में, यहाँ से इधर चलते हैं, दूसरी गली में चलते हैं हम। ओके अब हम दूसरी गली में आ गए हैं, ये सेकंड गली है इनकी, इन्होंने यहाँ पर वो जो उस तरफ फ्रंट पे लगाए हुए थे, यहाँ पर जो है वो जिस तरह से मैंने लगाए हुए साइड पे हैं, क्योंकि वो वाले जो केज थे उनका साइज़ पाँच फुट का था, मतलब ढाई फुट का एक खाने का था, और ये वाला साइज़ जो है वो चार फुट वाला है जो मेरे पास है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जितना पॉसिबल होगा कोशिश करेंगे कि हम यहाँ भी आपको दिखाएं। ये एक प्लेयर है माशाल्लाह से, दो बच्चे निकले हैं और पांच अंडे हैं, फर्स्ट टाइम में जो मैंने केज देखा उसी का रिजल्ट अच्छा है, बकाया सबका ही इंशाल्लाह अच्छा ही होगा इनके पास रिजल्ट। ये प्लेयर है चार अंडे हैं इसके, अंडे ये भी ठीक हैं, साफ दिख रहा है, मैं ऊपर वाले को कोशिश, ऊपर वाले को मैं नहीं दिखा सकूँगा, जो नीचे हैं सिर्फ मैं उनको कवर कर रहा हूँ। एक बच्चा है, चार अंडे हैं, मैं क्योंकि मैं अगर ऊपर करूँगा तो टाइम थोड़ा वेस्ट होगा,
इस खाने में, इस गली में जो है वो, इसमें तीन बच्चे हैं इस गली में। मैं इसलिए या आई थिंक ये इन्होंने सेटअप बिल्कुल अलग किया होगा, ये गली जो है बिल्कुल इनकी जो है वो अलग है, ये गली इसलिए अलग है। और यहाँ पर आई थिंक ब्रीड भी इनकी बाद में आई है। इसमें लोडिनो के बच्चे हैं कुछ, ठीक है चार बच्चे हैं आई थिंक, पांच हैं, चार ही हैं। ओके बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, बहुत माशाल्लाह से बैलेंसिंग की अगर इन्होंने करी हुई है तो भी बहुत बेहतर है, अगर बैलेंसिंग नहीं करी हुई थी फिर तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और आउट क्लास चार बच्चे इसमें भी हैं, ये कलर हैं, कलर लबर्ड्स हैं, पाइट में हैं। ओके इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, खाली किया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, ओके इसको हम ऊपर से देख लेते हैं क्या है। ओके अंडे दिए हैं पियर ने, नए अंडे हैं, पांच अंडे हैं। और आउट क्लास इसमें बच्चे होंगे यकीनन। ओके ज़बरदस्त, पांच चार बच्चे हैं इसके अंदर भी, तो ये बहुत अच्छा है इनके पास माशाल्लाह से रिज़ल्ट आ रहा है। मैं अब ये पियर है, इसके पांच बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, सैलमन और येलो, और ये लोडिनो के हैं, चार बच्चे हैं, इसमें भी चार बच्चे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनके पास रिजल्ट आया। वन मादी ने दोबारा अंडे दिए, ये मैं आई थिंक ये पहले भी दिखा चुका हूँ। ओके उसके बाद सबसे नीचे चलते हैं, इसमें बच्चे ये आई थिंक ज़्यादा बच्चे हैं इसके अंदर, क्योंकि दो बच्चे अगर जो बाहर गए हैं तो वो भी बच्चे ही होंगे, तीन चार बच्चे हैं इसके भी, चार बच्चे हैं। एक इन्होंने लोडिनो इसके अंदर बैलेंसिंग किया होगा इस प्लेयर को, हाँ इसके लोडिनो, क्योंकि इसका नहीं हो सकता, लोडिनो ने बैलेंस किया होगा। ओके इसका भी चार बच्चे हैं, बहुत ही बहुत आउट क्लास माशाल्लाह से अच्छा रिजल्ट है इनका। ओके यहाँ चलते हैं, ओके चार बच्चे हैं इसके अंदर भी, ठीक है तीन बच्चे हैं, चार नहीं है इसके अंदर, तीन बच्चे हैं, लेकिन तीन भी मतलब के बच्चे हैं इसमें। ये पेयर है इसका, इसके बच्चे भी अच्छे हैं। उसके बाद इसके नीचे चलते हैं, इसमें भी आई थिंक चार बच्चे हैं, ठीक है इनकी एवरेज आप देख रहे हैं माशाल्लाह से चार की इनकी एवरेज है, बहुत अच्छी एवरेज है। ये आखिरी सबसे लास्ट वाला केज है, आई थिंक ये तीन बच्चे हैं और एक अंडा पड़ा हुआ है, हो सकता है और दो हो, पियर बाहर नहीं आ रहा तो मैं इसलिए ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पांच अंडे हैं, दो छः अंडे और लोडिनो, ओके लोडिनो का और क्रॉस किया हुआ है ब्लू के साथ, ठीक है। और ऊपर की तरफ देखते हैं क्या है, एक बच्चा निकला हुआ है और चार अंडे हैं। बहुत ही अच्छा लगा इनका रिजल्ट देख के माशाल्लाह से, छः अंडे दिए मैं और एक बच्चा आज कल का ही निकला हुआ लग रहा है। ये बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत आउट क्लास होंगे, एक पेयर ये बहुत अच्छा पेयर है, ये बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे होंगे। इस तरह का मेरे पास कोई पेयर नहीं है, देखेंगे इस तरह का कोई पेयर इनसे लेके जाएं, यही बच्चे इनसे उठा लेंगे अपने फार्म के लिए। छः अंडे, ये पेयर कौन सा है, यही पेयर है सेम, ये पाइट पेयर है इनके पास, बहुत अच्छे पेयर, बहुत अच्छे। ये चार बच्चे, इसका पेयर को देखते हैं कौन सा है, क्रॉस है। ये पट्ठे आए हुए बाहर आए हुए, पट्ठे आए हुए ये भी, ठीक है ये भी पट्ठे हैं बाहर आ गए, ये भी ओके। यहाँ देखते हैं क्या है, अच्छा अभी तो दो गलियाँ हुई हैं और अभी ओके ये फर्स्ट ब्रीड, अभी मतलब कि इसने ब्रीड करना शुरू किया है, इसने भी अंडे दिए हैं अभी। चार बच्चे हैं, एक अंडा है, बहुत ही ज़बरदस्त चार बच्चे निकल गए और एक अंडा अभी मौजूद और है, तो आई थिंक ये भी निकल जाएगा। सॉरी आउट क्लास, ये इनका बॉक्स है, बॉक्स में जो है
पांच बच्चे हैं और एक अंडा मौजूद है। दो चार पांच बच्चे अभी निकल गए और एक अंडा अभी भी इस वक्त मौजूद है। पेयर भी बहुत खूबसूरत है, अच्छा पेयर है, ब्रीडर पेयर है। हाँ इधर चलते हैं। अच्छा इन्होंने आप देख रहे होंगे बॉक्स के ऊपर ये रखे हुए अंडियों के ऊपर, क्योंकि लवबर्ड जो होते हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। एक बच्चा दो तीन दो बच्चे निकले हुए, तीन बच्चे निकले हुए, दो अंडे हैं। बहुत आउट क्लास माशाल्लाह से, बहुत बहुत ही आउट क्लास इसका रिजल्ट आया है इनके पास। एवरीवन हर चीज़ का माशाल्लाह। इसने जो है सात अंडे दिए हैं और आई थिंक इन्होंने अंडे बैलेंस किए होंगे। सात अंडे पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि सात अंडे नहीं देती, पॉसिबल है ये भी, लेकिन बैलेंसिंग के भी हो सकते हैं इन्होंने बैलेंस किया हो बच्चे, मतलब कि अंडे किसी और के अंडे जो हैं वो किसी और में डाल दिए हों, ये भी पॉसिबल होता है। उसके बाद ये पेयर बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा इस पेयर की एक मादी की आँख नहीं है, एक आँख है एक आँख नहीं है, मादी है ये, तो ये ब्रीड करती है, इसमें कोई इशू नहीं होता। एक आँख की मादी भी ब्रीड कर देती है, मेरे पास भी ब्रीड कर रही हैं, बच्चे भी निकाल दिए, ऐसे पालती रही हैं। ओके चार बच्चे हैं, बहुत ही आउट क्लास, सब दोस्तों को नज़र आ रहा होगा चार बच्चे। एवरीवन जिसका भी मैं उठा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, या तो अंडे की क्वांटिटी अच्छी है, इसमें भी अंडे दिए हैं मादी ने, ठीक है। बच्चा भी कोई भी नहीं निकला हुआ, यहाँ पर भी अंडे हैं, ये बच्चे बाहर आए हुए हैं। ओके ये इनका लवबर्ड्स का सेटअप, अभी ये भी बच्चे निकले हुए हैं, ये तो बड़े हो गए बाहर आ गए, तैयार हैं ब्रीड के लिए, ये आई थिंक सेल के लिए तैयार हैं ये। अच्छा बच्चा है, बहुत खूबसूरत पेयर हैं, आप देख रहे होंगे कितने खूबसूरत पेयर हैं। अच्छा इस तरफ में हम आते हैं, इस तरफ इन्होंने थोड़े से म्यूटेशन चेंज करी है, ये केसरेट वगैरह हैं, बजरी हैं, फेलो हैं यहाँ पर कॉमन हैं, तो ये भी यहाँ पर अच्छी खासी क्वान्टिटी में रेडाइज में हैं, रेडाइज काफ़ी इनके पास है, कॉमन भी हैं रेडाइज भी हैं। और ये सारे बेचने वाले लवबर्ड्स, ये पट्टे सारे सेल आउट के लिए हैं ये यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर जो है इन्होंने फेलो रखे हुए, फेलो का रिज़ल्ट थोड़ा टाइम सेव करते हैं, फेलो का रिज़ल्ट नहीं दिखाते। ये लक्चक है इनके पास, ये एक्स्ट्रा गली है इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये जावा का रिज़ल्ट है, जावा के अच्छे लास्ट टाइम आया हुआ था इनके पास, अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ था, बच्चे बाहर आए हुए थे अच्छे थे जावा के बच्चे, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं अपना, इधर नहीं आते इन चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं दिखाते, बजरी फेलो का और जावा का। इसके अलावा ये एक तोता बाहर निकला हुआ इनका, निकल जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट गली में, आखिरी गली जो है बाहर जाके, यहाँ से बाहर का रास्ता है, यहाँ पर भी जावा है, यहाँ से बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद दूसरा गेट आएगा, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से जो है वो हम अपने वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये है बजरी का सारा, तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बजरी भी इनके पास माशाल्लाह से। ओके अब जो है हम दूसरी गली में आ गए हैं, ये इनका केज एक ही है, मसरफ इन्होंने रास्ता बीच में नहीं दिया हुआ, दरवाज़ा इसका यहाँ से एक दरवाज़ा आता है और यहाँ से उसकी दूसरी गली स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में इन्होंने बजरी डाले हुए हैं, कॉमन बजरी हैं, फेलो हैं, केसरेट वगैरह हैं, रेडाइज हैं, इस तरह के हैं शुरू में, दो तीन दस बारह, मतलब इनके पास बजरी भी असल में माशाल्लाह से इनका सेटअप इतना बड़ा है, तो बजरी इनका ऐसा लग रहा है कम से कम 70-80 पेयर बजरी के हैं, फेलो रबर सॉरी फेलो हैं केसरेट वगैरह 70-80 पेयर हैं, लेकिन इतना सा लग रहा है जैसे कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी में हो, क्योंकि सेटअप बहुत बड़ा है, इतने वसी पैमाने में फैला हुआ है, तो लबर्ड सी जितनी भी क्वांटिटी वो लबर्ड सी ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा धूप आ रही है तो मेरा कैमरा रिज़ल्ट सही फोकस नहीं कर पाएगा। ये ओके पांच अंडे हैं, चार अंडे, तीन बच्चे, अच्छा प्यार है, अच्छे प्यार हैं इनके, प्यार के अच्छे बच्चे हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर मैं वही बात को मैं सबको कवर करूं तो बहुत देर लग जाएगी, चार पांच पांच बच्चे हैं माशाल्लाह से, अच्छा रिज़ल्ट है इनके पास, पांच बच्चों का रिज़ल्ट ठीक है जनाब माशाल्लाह से, बहुत अच्छी मेहनत, असल चीज़ मेहनत है इनके पास, तजुर्बा है इनके पास, मेहनत तजुर्बा और टाइमिंग, पांच और चार बच्चे हैं इसके, ठीक है। ये लोडिनो का प्यार होगा आई थिंक, है लोडिनो और
ठीक जनाब, ये बियर है, ये अच्छा रिजल्ट है इसका भी। उसके बाद नीचे वाले का देखते हैं। ओ थोड़ा सा प्यार, वो डर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वो उसने अपने अंडे। आपको आवाज़ें आ रही होंगी, जो आवाज़ें आ रही हैं तो ये भाई वही हैं जो जिनका फार्म है, वो काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। इसमें ये भी नज़र नहीं आ रहा कैमरे में क्या है, जो है वो आप देख लें, क्योंकि वो कैमरा थोड़ा सा पता, ये बच्चे निकला हुआ है इसका, एक बाहर आया हुआ है, दो बच्चे बाहर हैं और एक ये जो है वो ब्लू, इसका मेल फीमेल हो सकती है। ये दो पट्ठे हैं, बकाया पट्ठे ऊपर होंगे, ऊपर की तरफ है, हाइट ऊपर की तरफ है, तो मैं इन्हें, ये पट्ठे हैं इसके, पता नहीं कितने हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे, मैं सिर्फ कैमरा ऊपर करके हाइट से आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आया क्या है, मैं भी बाद में देखूँगा जब वीडियो एडिट कर रहा होऊंगा। ओके, ये आई थिंक नया पेयर छोड़ा है इन्होंने, ये पट्ठे बटे बच्चे निकाल के इसके सेल आउट कर दिए होंगे। ये लोड़ियों के पेयर है, इसने अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह से। ये भुट्टा डाला हुआ है, इसमें बच्चे यकीनन बच्चे होंगे, और बच्चा एक्सपायर हो गया है इनका, दो बच्चे एक्सपायर हुए हैं इसके अंदर, कोई रीज़न होगा ऐसा एक्सपायर होने का। चार बच्चे, अच्छा जिस, मैं ऐसा नहीं कि मुझे पता है किसमें बच्चे हैं क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जिस कुलिया को खोल रहा हूँ जो आपके सामने है वो है, ये पेयर के बच्चे निकाल दिए होंगे, इसने भी दोबारा अंडे दिए होंगे लोडिनो है। अच्छा यहाँ लोडिनो की थोड़ी सी इनके पास वैरायटी थोड़ी सी ज़्यादा है इस तरफ क्वांटिटी। ये सारे पेयर वो होंगे जिन्होंने बच्चे निकाल के सेकेंड या थर्ड कलर जिनका आ रहा होगा। यस, ये सारे वही पेयर हैं जो बच्चे दे के फारिग हो गए और दोबारा अंडे दे रहे हैं यकीनन। मैं सिर्फ एक लाइन का, सिर्फ ये दो बच्चे दो अंडे, एक लाइन का सिर्फ एक वो है, मैं खाना चेक कर रहा था, अगर मैं सारा को चेक करूँगा तो एक आप दोस्तों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक बच्चा है और दो अंडे हैं, इस पेयर का कोई इशू होगा जिसने बच्चे कम निकाले हैं, अंडे भी कम दिए हैं, ऐसा होता है। अगर 100 में से एक दो पेयर ऐसा कर रहे हैं तो ये मसले की बात नहीं है। 600 से ज़्यादा इनके पास माशाल्लाह से पेयर हैं, 600 प्लस लवर्स हैं इनके पास माशाल्लाह से, अल्लाह पाक और बरकत दे और नज़र बद से बचाए माशाल्लाह। हर दोस्त जो देख रहे हैं वो माशाल्लाह लाजमी कहें। ये एक बच्चा इसमें से अभी अंडा हैचिंग इस टाइम है इसका, चार हैं, बहुत ही आउट क्लास है इसके अंदर। ये दोस्त काम कर रहे हैं यार मोहम्मद, माशाल्लाह से अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये कौन सा कलेश था आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मतलब कलेश कौन सा चल रहा है, मतलब ब्रीडिंग टाइम थर्ड कलेश चल रहा है। ओके, ये काम इस तरह से कर रहे हैं कि एक बर्तन इन्होंने यह निकाला हुआ है, इसमें ये सारा बाजरा कल्टी कर रहे हैं। डेली बेस पे करते हो यार ये, तीन दिन बाद एक में, तीन दिन बाद ये बाजरा चेंज करते हैं, एक में इन्होंने बाजरा नया रखा हुआ है और एक में बिल्कुल उसमें बाजरा हो या ना हो बाजरा निकल के साइड में डाल देते हैं, जैसे कि ये बाजरा डाल के साइड में कर रहे हैं और नया बाजरा उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये कर रहे हैं, टाइम इनका बहुत ज़्यादा सेफ। ये बाजरा जो ज़ाया हो रहा है ये ज़ाया नहीं होगा, मशीन रखी हुई यार, वहाँ मशीन काम कर रही है ना, ये मशीन में जाएगा, दोबारा वॉश होगा और नए सिरे से जो है वो क्लीन होके नए बाजरे में मिक्स होके जो चला जाएगा। ये कबूतरों को डालते हो, इन्हीं को, इन्हीं में चले जाता है ना, वो ऊपर वाला केज खुला हुआ यार मोहम्मद, पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला, हाँ ये खाली है। ओके, इस तरह से ये काम होता है, मैं भी इसी तरह से करता हूँ। पूरा सेटअप जो इनके पास है, मेरे इन्हीं के फार्म का पूरा मेरे पास माल लगा हुआ है, तो काफ़ी पुरानी बात है इनसे, बहुत दफ़ा मैं माल लेके जा चुका हूँ, पुराना जो स्टार्ट किया था मैंने, एक ही दफ़ा मैं इनसे माल लिया था। इस तरह से ये काम करते हैं यार, विटामिन्स भी वही, हफ्ते में दो दिन चला रहे हैं ना, सेम मेरा वाला तरीका है, जिस तरह से ये विटामिन्स मैं चलाता हूँ, हफ्ते में दो दिन विटामिन्स चला रहे हैं ये भी, एक पीर का दिन चलाते हैं और एक जुमरात का दिन। पानी रोज़ाना चेंज होता है, सुबह विटामिन डालें उसके बाद जो है वो पानी फेंक दें रात को, और नेक्स्ट दिन नॉर्मल पानी डाल दें, तकरीबन जो है वो 12 घंटे जो है वो एक ही पानी रहता है जो पीते हैं उसमें, चाहे वो बच्चे वाले हों बगैर बच्चे वाले हों, प्यार कोई से भी प्यार हों, सब में जो है वो विटामिन जाएगा। बाजरे का मैंने आप दोस्तों को दिखा दिया कि बाजरा किस तरह से, सेम मेरे पास भी यही प्रोसेस होता है कि एक हैंड से बाजरा निकाला, एक डब्बे में डाला, दूसरे हैंड से जो है वो बाजरा भर दिया। ये अभी इसमें बिजी हैं,
चाहे वो लबड़ हो बजरी हो, सबको आप तो एक ही फीड दे रहे हो ना, कोई चेंजिंग नहीं है, सबको ये एक ही फीड चला रहे हैं, लबड़ हो बजरी हो एक्स वाई जेड सब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। जिन दोस्तों ने देखा है माशाल्लाह लाजमी कहना, अल्लाह नज़र बस से बचाए हर चीज़ को, और बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है माशाल्लाह उनके पास। तो अच्छा जिन दोस्तों को इनसे बर्ड्स खरीदना हो यार मोहम्मद, अभी कुछ है बेचने वाला? सारा सेल आउट कर दिया, अभी है नहीं है, मतलब आ रहा है क्लच आएगा। ओके जिन दोस्तों को लेना हो ये सेल आउट करते हैं अच्छे प्राइस में अच्छी चीज़, तो आप दोस्त कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। भाई थोड़े बिजी हैं वरना लाजमी इनसे भी हम बात करते, असल में मेरे पास भी टाइम नहीं होता और इनके पास आज मैं आया हूँ तो इस वक्त बिल्कुल भी इनके पास टाइम नहीं है, तो मैंने ख़ुद उनको कहा भी नहीं कि यार मुझे थोड़ा टाइम दो, मैंने खुद नहीं कहा क्योंकि एक अखलाकियात से थोड़ी सी चीज़ ऊपर की रहती है कि यार आप बंदा आपको पता है कि बिज़ी है तो आप उसे डिस्टर्ब ना करो, अगर मैं कहूँगा तो वो टाइम दे देगा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि यार मेरा एक काम हो रहा है उसके बाद मैं जो हूँ उसको भी मज़ीद उसका भी टाइम वेस्ट करूँ, उन्हें मैंने काम करने दिया है वो काम करें अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मुझे यहाँ की पता थी वो मैंने आप दोस्तों को सबको बताई, बाजरे का आपको बता दिया, विटामिन का मैंने आपको बता दिया, विटामिन कौन सी देते हैं ये पूरी एक वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर किस तरह से देते हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा मजीद, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे आप विटामिन के ऊपर कोई अच्छा ही सी वीडियो बना दें, और एंटीबायोटिक के ऊपर। यार मोहम्मद कोई एंटीबायोटिक चला रहे हो आप? एंटीबायोटिक कोई भी नहीं ना, एंटीबायोटिक कोई भी नहीं होती, मैं भी कोई भी एंटीबायोटिक नहीं चला रहा होता, और जब विटामिन चल रही होती है तो एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पट्टे मैंने नहीं दिखाए थे, जहाँ अगर मैं कैमरा लेके जाऊँगा तो माशाल्लाह से कुछ ना कुछ निकला हुआ होगा, तो अब बहुत हो गया, इतनी वीडियो बहुत है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी ये भी, काफ़ी देर से हम इसको कवर कर रहा हूँ, मुझे भी कहीं जाना है, एक ज़रूरी काम भी है, कुछ ऑर्डर हैं वो देने हैं, कुछ अपने फॉर्म को भी चेक करना है, अभी जाके शाम के टाइम पे पानी वानी देखना है, पानी वानी निकालना है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, समंदरी झाक लाजमी होना चाहिए, समंदरी झाक मेरे पास अभी मेरे पास एंड हो गया है, मेरे पूरे फार्म में समंदरी झाक लगाना है, समंदरी झाग आप देख रहे हैं हर आपको केज में। अच्छा समंदरी झाग लगाने का तरीका, ये चुटकियाँ जो आती हैं इन्होंने इस तरह से लगाया हुआ है, मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया था, वो थोड़ा सस्ता तरीका है, फ्री का तरीका है, सस्ता क्या मुराद, उसमें इतनी ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बहुत कम प्राइस में, और उसमें समंदरी झाग ख़राब नहीं होता, ये समंदरी झाग अगर हम ज़मीन पर डाल दें तो ये समंदरी झाग जो है वो हमारा ख़राब होता है, इसके ऊपर बर्ड्स बैठते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा उसको खुरेद देते हैं, आपने देखा होगा ज़मीन में पड़ा हो तो उसको खुरेद के फेंक देते हैं या उसके ऊपर गन कर देते हैं तो वो फिर खाते नहीं हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके में चली जाती है, बहुत अच्छा हमारा सेटअप रनिंग में आ जाता है। ओके इनके पास ये एक अलेक्जेंडर का भी एक पेयर है, इनके पास रिंगनेक मटकी में जा रहा है, आई थिंक संडे दिन मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, मटकी में ही जा रहा है, बॉक्स में जा रहा है ये, और एक पेयर ये इनके पास है, अच्छा खासा पेयर है इनके पास माशाल्लाह से, ये इन्होंने घर का पला हुआ है पट्ठा था तो इन्होंने मादी ला के इसको डाल दिए और ये इस तरह से सेट हो गया, ये इन्होंने अपने आई थिंक बजरी रखे, मैं अपने पास सेल के लिए नहीं है, ये बड़े पेयर हो गए सारे। थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको बजरी का भी जिनका दिखा दूँ, जो दोस्त बोलेंगे यार बजरी जिन्होंने खरीदे हैं उनके भी थोड़ा सा हो जाए, मैंने वीडियो ख़त्म कर दी थी उसके बाद दोबारा स्टार्ट करी है, बजरी का रिजल्ट इनके पास माशाल्लाह से, इनके पास बजरी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, साइज़ एक्टिव साइज़ अच्छा, मेरे पास जो बजरी हैं वो भी इनके फार्म के हैं सारे, मैंने इनसे 20 जोड़े लिए थे बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 100 प्लस पेयर हैं, ब्रीडिंग पेयर सेल आउट तो पता नहीं कितने ना जाने कर चुका हूँ कितने सालों में, और इस पेयर का रिजल्ट देखें 6 बच्चे हैं माशाल्लाह से, रेडाइज भी हैं इसके अंदर, ये पेयर रेडाइज का मादी है और 6 बच्चे हैं माशाल्लाह से और हेल्दी एक्टिव, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है वो आपको बजरी का दिखा दूं क्या रिजल्ट आ रहा है, ये इन्होंने पट्टे डाले हुए हैं, आई थिंक इसमें बजरी की इसमें कुलिया नहीं लगाई, कुलिया लगाएंगे तो इसका रिजल्ट इनके सामने होगा, इसमें देखते हैं क्या है, तो इस पेयर ने भी अभी तक कुछ किया नहीं है, आई थिंक इसके बच्चे निकाल के फेंक दिए होंगे, बेच दिए होंगे, फेंक दिए होंगे कह रहा हूँ, बेच दिए होंगे, सेल आउट कर दिए होंगे, थोड़ा सा मैं वो बजरी का दिखा दूँ, ये बजरी के पट्टे निकले हैं माशाल्लाह से, अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये नए पेयर डाले हुए इन्होंने, स्पेंगल के पेयर डाले हुए इन्होंने, इन्होंने बॉक्स नहीं लगाए हुए इन्होंने, आई थिंक ये नया पेयर स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल नए लग रहे हैं, यस ये बिल्कुल नए पेयर हैं, कुछ ब्रीडिंग के लिए इन्होंने डाले हुए कि सेट हो जाए ब्रीडिंग के लिए। उसके बाद यहाँ एक पेयर है, ये बड़ा पेयर लग रहा है,
इसको देखते हैं, हाँ ये बड़ा पियर है, इसके बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, सही है, बुरा नहीं है, साइज़ में है तो बुरे नहीं खिलाते, अगर साइज़ अच्छा हो मतलब एक्टिव हैं हेल्दी हैं तो बुरे नहीं है। और बराबर वाले उतर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे निकल जाएंगे, कुछ यहाँ पर लबड़ अच्छे जो लबड़ हैं कलर, मैं उनको कवर करूँ थोड़ा सा, ये लबड़ से कलर, बॉक्स इनके पास इतने नहीं है, बॉक्स कम है इनके पास। ये बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं इसके भी, माशाल्लाह से अच्छे बच्चे हैं, अच्छी रिपोर्ट है, अंडे हैं, बच्चे अभी निकलना शुरू हुए हैं, मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, असल में ऊपर कैमरा किया हुआ है तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा था, बच्चे मुझे दो ही नज़र आए थे, उसके बाद आई थिंक ये मुझे नज़र नहीं आए और होंगे। ये बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बाहर आ गए, तीन बच्चे बड़े हैं, दोबारा मादी ने अंडे दे दिए, और इसने मादी ने अंडे दिए हुए, बच्चे बाहर आ गए, इसने भी अंडे दिए हुए, इसके बच्चे भी होंगे और अंडे भी होंगे, उसके बाद मादी ने अंडे दिए हुए, बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे, पांच बच्चे, ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी किस तरह से फार्मिंग होती है, किस तरह से ये ब्रीडिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम, हम यार मोहम्मद के फार्म पे हैं, इस वक्त इनके पास कुछ आइटम बोलने के, मेरे पास सेल करने वाला है, जावा के बड़े पट्टे हैं, वाइट जावा, ये यार मोहम्मद कितने दिन के होंगे, महीने, ढाई महीने के हैं, उसके अलावा इनके पास फेलो बहुत सारी क्वांटिटी में, रेडाइज भी हैं, फेलो है, रेडाइज हैं, और लबड़ थोड़े से हैं अभी, ये जमा कर रहे हैं, लबड़ सेल नहीं करेंगे, और क्रिस्टेड एक बता रहे थे, हाफ क्रिस्टेड जो है बहुत आउट क्लास, असल में यहाँ मादी है, फुल मादी है, अच्छी मादी है, हाफ क्रिस्टेड है, अच्छी मादी है, लाइटिंग ऐसी पड़ी है, पट्ठे निकले हैं कुछ इनके पास, ये पट्ठे अभी बाहर आ गए, ये पट्ठे सेल करने के लिए, काफ़ी सारे इनके पास फेलो हैं और रेडाइज हैं और जावा, वाइट जावा, तो जिन दोस्तों को लेना हो तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनसे। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।